जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खेत की नाली में दबंगई पूर्वक कब्जा कर बंद करने से किसानों का हुआ फसल बर्बाद। मना करने के बाद भी अपने कारनामों से बाज नहीं आए कब्जाधारी। जी हां, दरअसल पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत अमोर का है, जहां प्रार्थी किसान बुधराम कश्यप अमोरा निवासी ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत के जगदीश कश्यप पिता केदारनाथ द्वारा खेतों में पानी ले जाने वाले को कब्जा कर बंद कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ पास में बने पुल को रामजी सूर्यवंशी द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके कारण खेतों से अतिरिक्त पानी नहीं निकल पा रहा है और खेतों में अधिक पानी जमा हो जाने से सारी फसल बर्बाद होती जा रही है। मामले में तहसील कार्यालय में शिकायत किया भी जा चुका है। जांच में अधिकारियों द्वारा उक्त मामले में जगदीश कश्यप और रामजी सूर्यवंशी को समझाइश देते हुए पानी निकासी के लिए नाली और पुल को खोलने की बात कही गई थी। इसके बाद भी उनके द्वारा अधिकारियों की बातों की अवहेलना करते हुए नाली और पुल खोलने से साफ इनकार कर दिया है, जिसकी शिकायत को लेकर गरीब किसान आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के चक्कर काट रहा है। महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। बुधराम कश्यप हमारा का समस्या लेकर क्या है? पानी खेत बूढ़े 10 एकड़ मरता समस्या लेकर आए कलेक्टर ऑफिस। कैसे बूढ़े खेत दोनों के लिए नाली बांध देती, जगदीश बांध देती, रामजी बांध दे सड़क ला और खातिर आए हैं। धान बोआगे सब 10 एकड़ में। का चाहा था शासन से? शासन से चाहा था नाली वाला खुलवा, चाहे बंधा लग फोड़ा बांधे चला।